दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर एक गांव है, उसका नाम है सावड़ा घेवरा। यहाँ के निवासियों को पानी की दिक्कत रही, लंबे समय तक रही, 6 साल तक संघर्ष करना पड़ा उन्हें। पानी बहुत कम आता था। पानी देना दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है। उसके टैंकर्स आते तो थे, लेकिन जितनी ज़रूरत थी उतने नहीं आते थे, लिहाजा लंबी लंबी लाइनें लगती थी, झगड़ा होता था। तब एक एनजीओ मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप ने गांव वालों को आरटीआई के बारे में बताया, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, कि किस तरह से इसे इस्तेमाल करके वो जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं मिल रहा। गांव वालों ने आरटीआई का इस्तेमाल किया, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया और प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। हो गए हमें 11 साल यहाँ आए हुए। पानी तो सर उस टाइम पे बिल्कुल ही नहीं था, बस्ती तो ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है। टैंकर एक आया, वो खड़ा हो गया टैंकर, तो उस टैंकर पे पूरे ही जुट गए, तो उसमें ना ही पानी पीने का ढंग से मिल पाता था और नहाने की तो छोड़ ही दो सर। एक दिन आ रहा है तो दो दिन नहीं आ रहा है, चार दिन नहीं आ रहा है, और उस जब आता था इतनी लड़ाई होती थी, एकदम गुत्तम गुत्ता होती थी, पानी नहीं मिलता था और बहुत लड़ाई होती थी। जब सर पुरुष तो सुबह काम पे गया और हम रह गए यहाँ अकेले, तो पानी का तो सब हमको बरतना है ना, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी, तो वो तो गए तो ऑफिस में भी उनको पानी मिल गया पीने का, हमारे पास डिब्बे में पानी नहीं है, तो सर हमें तो भागना होता था। तो हमने सारे महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया, फिर हमने वो महिलाओं ने ही सारे काम किए। मार्ग संस्था से हमें जानकारी मिली, जब मुझे पता चला कि आरटीआई से इतनी हम अपनी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, तब हमने सर वो आरटीआई फाइल करी और यहाँ कंझावला उतने किराया लगा के और आरटीआई वगैरह जो भी वो खर्चा वो सब करके अपने ही उससे और तब लगा के आते थे सर। आरटीआई में हमने ये पूछा कि हमारे यहाँ पर टैंकर कितने हैं और इनकी टाइमिंग कितनी है और ये मतलब खुले हुए क्यों आते हैं, छिपकली गिर जाती है उसके अंदर खुले हुए आते हैं, ये ढके हुए क्यों नहीं हैं, ये दो मुँह का या एक मुँह का रहता था उस पर भीड़ रहती थी, अब 6 मुँह के आ रहे हैं क्योंकि 6 पाइपें लग जा रही हैं तो आराम से पब्लिक पानी भर रही। जब आने लग गया उनसे कैलेंडर बना लिया सर, कैलेंडर बना लिया, रोज टिक करने लग गए उनको, जैसे अगले दिन नहीं आता था तो उनसे पूछते थे आज भैया आए थे और कल क्यों नहीं आए थे, उसका रीज़न भी वो बताते थे। फिर आरटीआई लगा के ही थ्रू पता किया है, तभी पता हुआ है सर हमें, तभी आगे काम हुआ है। आरटीआई और जो डेमोक्रेसी है ये साथ साथ चलते हैं। आरटीआई एक बहुत बड़ा एक पिलर कह सकते हैं डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में ये है कि हर नागरिक का एक रोल बनता है और आरटीआई से सरकार पर निगाह रखना आसान बन गई है। मैं तो कहती हूँ कि हर बहन को, खास करके बहनों को, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए सबसे पहले, और अपने पैर पे जब वो खड़ी होंगी, जब अपनी कोई सी मांग करेंगी, ऐसी मांग जो सबके लिए भला हो, जैसे कि उनके बस्ती में पानी नहीं है सर, और तरह तरह जैसे मैं कर रही थी सर उस टाइम पे, उस टाइम की बात याद दिला दी तो रोना आ रहा है सर। ऐसे किसी के दिन ना आए जैसे मेरे आए थे उस टाइम पे दिन, कि कैसे हम परेशान थे। और बहनों को भी मैं समझाना चाहूँगी कि कभी भी हक की लड़ाई लड़ें अपनी और मांग करें आरटीआई लगा के, और हर काम उसमें पूरा होगा सर। अगर कोई दफ्तर या अफसर बिना किसी उचित कारण के आपको जानकारी नहीं देता है तो उस पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह से सूचना का अधिकार ये तय करता है कि अफसर और सरकारी दफ्तर जवाबदेह बने, अकाउंटेबल बने। सावड़ा घेवरा में उर्मिला और आरती, इन दो महिलाओं ने ये बीड़ा उठाया। मर्द लोग साथ नहीं थे, महिलाओं को संगठित किया और आज इनकी वजह से सावड़ा घेवरा में लगातार पानी आता है।